आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू मंडी तथा लाहौल स्पीति जिला के पिछले 3 दिनों में हुई भारी बारिश से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कुल्लू जिला के भुंतर, सैंज, कसोल तथा खीर गंगा सहित अन्य प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा किया। इस दौरान सैंज में बाढ़ प्रभावित लोगों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने जान माल के नुकसान पर संवेदनाएं व्यक्त करते हुए आश्वस्त किया कि वह प्रदेश सरकार प्रभावित को हर संभव सहायता देने का प्रयास करेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, कसोल, खीर गंगा, कुलगाम जाके आए, सैंज में हम लोगों से मिले, तकरीबन 40 दुकानें और 30 जो फ्लड आया उसमें वॉश आउट हो गई। हमने फौरी तौर पर उनको आज या कल में जो हमारी आर्थिक सहायता 1-2 रुपए की मैंने हमें आर्थिक सहायता देने की बात कही है और जो खाने का अनाज है उसको हम कल उनके पास भेजेंगे। इसके बाद अब हमारी जो सबसे वर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कुल्लू है उसमें हमारा ये प्रयास है कि शाम तक किसी तरह यहाँ बिजली पहुँच जाए। जब बिजली पहुँचेगी तो जो हमारी पेयजल की योजनाएँ हैं उसमें हम लोगों को सुचारू रूप से पानी दे सकेंगे। मैं खुद व्यक्तिगत तौर से यहाँ ये चीज देखने के लिए आया हूँ। मंडी में बुरा हाल है। मंडी में आज हमारे जो हमने कमेटी बनाई है, जगत सिंह नेगी जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी और सीपीएस संजय बस्ती जी, उनकी हमने एक ड्यूटी लगाई थी। वो सब हालात का जायजा लेकर आए हैं और जैसे ही अब मुझे समय लगेगा मैं सिस्सू और मनाली जाऊँगा और वहाँ, क्योंकि वहाँ एरियल सर्वे ही होगा, लेकिन और जगह कसोल में और जो मणिकर्ण है वहाँ ग्राउंड नहीं था तो वहाँ उतर नहीं सके, लेकिन मैंने खुद एरियल सर्वे किया है और व्यक्तिगत तौर से मैं खुद ये अभी हमने अधिकारी जो और व्यक्तिगत तौर से मैं खुद देख रहा हूँ और जो कुल्लू में और अधिकारी लगाने हैं कुछ हमने स्टाफ को यहाँ भेजा है। पानी की समस्या को कैसे दूर करना है इस तरह हम कुछ और एक्शंस को भेज रहे हैं ताकि यहाँ तुरंत प्रवाह से युद्ध स्तर से इस कार्य को किया जाए। पर आज हमने हेलीकॉप्टर के माध्यम से इवैक्यूएशन स्टार्ट किया है उन लोगों का जो थोड़ा बहुत जहां से बीमारी की खबर आ रही है उस दृष्टि से हम निकालना शुरू किया है। और मैं पूरे जो पर्यटक चाहे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या कई और पूरे हिंदुस्तान के पर्यटक यहाँ आए हैं वो सब सेफ है, सबसे खुशी की बात है, वो सब सुरक्षित है। उनको खान पान और सामग्री की पूरी सुविधा का प्रबंध हमने कर दिया है। हमारा ये प्रयास है कि चंद्रताल में जो सीनियर सिटीजन्स लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है, बच्चे और महिलाएं, उनको अभी हमें सुबह जब हेलीकॉप्टर गया तो वो नज़दीक से वापस आ गया क्योंकि मौसम एकदम खराब हो गया। तो अभी 15 मिनट के बाद उस हेलीकॉप्टर को हम भेज रहे हैं और चंद्रताल से जो इवैक्यूएशंस है उसको हम कर शुरू करने जा रहे हैं। मणिकर्ण वाले रोड को और कसोल वाले रोड को मैं खुद देख रहा हूँ और मेरा ये मानना है कि आज शाम तक हम वहाँ से इवैक्यूएशन स्टार्ट कर देंगे और जो मनाली कुल्लू रोड है उसको भी हम जल्दी ही आज शाम से रात से इवैक्यूएशन स्टार्ट कर देंगे। और जो मंडी से कुल्लू वाला रोड है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसका एक अल्टरनेट रूट से हम यातायात और आवाजाही को, परिवहन को ठीक दृष्टि से कि आवाजाही ठीक हो उस तरीके से हम उसको देख रहे हैं। इस बाढ़ में बहुत बरसाया है, 50 वर्ष के बाद इस प्रकार की बारिश देखने को मिली है।